हेलो दोस्तों, आप लोग पीएम केयर फंड्स के बारे में तो जानते ही होंगे। हो सकता है कि आप लोगों ने भी इस फंड में डोनेट किया होगा। आज के समय में इस फंड को लेकर पूरे विपक्ष ने हमला बोला है। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि इस फंड में कितना पैसा जमा हुआ है, लेकिन सरकार अपना कोई भी डिटेल्स नहीं देना चाहती। तो आज हम जानेंगे ऐसा क्यों। भारत में COVID-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और प्रभावितों को राहत प्रदान कराने के लिए एक सार्वजनिक धर्मास्ट ट्रस्ट की स्थापना 27 मार्च 2020 को की गई थी। इसका नाम है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि, यानी पीएम केयर फंड्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। इसमें कोई भी व्यक्ति दान दे सकता है और आयकर अधिनियम के अनुसार 100% कर छूट प्राप्त कर सकता है। ध्यान रहे कि देश में पहले से प्रधानमंत्री राहत कोष बना हुआ है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड्स के पदेन अध्यक्ष होते हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री फंड के पदेन ट्रस्टी होते हैं। प्रधानमंत्री के पास 3 लोगों को न्यासी बोर्ड का ट्रस्टी नामित करने की शक्ति होगी, जो कि अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। इस फंड का मुख्य उद्देश्य है कि देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदा आने पर लोगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता के साथ आधारभूत संरचना के विकास का काम किया जाएगा। यदि जरूरी हुआ तो स्वास्थ्य सेवा या औषधि सुविधाओं का निर्माण, उनके बारे में अनुसंधान और बुनियादी ढांचों का विकास भी किया जाएगा। यदि बोर्ड के ट्रस्टी आवश्यक समझे तो प्रभावित आबादी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पैसों के भुगतान या अनुदान भी प्रदान किया जा सकता है। चूंकि COVID-19 से लड़ाई में पूरा देश एकजुट हो गया और सरकार ने इस लड़ाई के लिए वित्तीय साधन जुटाने के लिए इस फंड की स्थापना की घोषणा की और लोगों ने इस फंड में करोड़ों रुपए जमा कर दिए। लेकिन अब डोनेट करने वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस फंड में कितना रुपए जमा हुआ है और कितना खर्च हुआ है। indiaspend.com की वेबसाइट के मुताबिक पीएम केयर फंड्स में लगभग 9,677.9 करोड़ रुपए सिर्फ 52 दिन के अंदर जमा हो गए थे। 13 मई 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा की थी कि COVID-19 कार्यों के लिए पीएम केयर्स ने 3,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो निधि में व्यय होने वाला पहला खर्चा है। यह 20 मई 2020 तक एकत्र 9,677.9 करोड़ रुपए का केवल 32% है। ग्रेटर नोएडा निवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोगड़े ने 21 अप्रैल 2020 को एक सूचना का अधिकार RTI आवेदन में प्रधानमंत्री कार्यालय से कुल 12 बिंदुओं से जानना चाहा कि आप ये बताएं कि पीएम केयर फंड्स को अब तक कितना करोड़ रुपए दान में मिला है। केंद्र सरकार पीएम केयर फंड्स को लेकर इतनी गोपनीयता बरत रही है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी इसकी जानकारी देने से मना किया जा रहा है। पीएमओ ने विक्रांत तोगड़े को 6 दिन के अंदर जवाब दिया कि उन्हें RTI के एक ही आवेदन में कई विषय संबंधी सवाल पूछे गए हैं और उन्हें हर विषय के लिए अलग से भुगतान करना चाहिए, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा पीएमओ ने यह भी तर्क दिया कि पीएम केयर फंड्स RTI एक 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी देना उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यह फंड RTI के दायरे में नहीं आता है और जब तक पीएमओ न चाहे वो किसी को भी जानकारी साझा नहीं कर सकते। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।